जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटियां किसी से कम नहीं। ये एक कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें एक माता पिता दो बेटे और एक बेटी है। तो आइए इस कहानी को देखें और समझें। अरे मेरे बेटे क्या कर रहे हो, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हें खाना ला दूं? दूध तो नहीं पीना तुमने? ला दो। चलो तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें दूध लेके आती हूँ। अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है तुम? क्या करेगी तू पढ़कर? हाँ तेरी माँ सही कह रही है, पढ़ के क्या करेगी, पढ़ लिखे तो कुछ नहीं मिलना। माँ कुछ नहीं रखा पढ़ने में, लड़कियों को पढ़ना शोभा नहीं देता। चल जाके खाना बना, पढ़ना है। माँ मैंने सारा काम कर लिया, मैं पढ़ लूँ? क्या करना तुझे पढ़कर, मुझे ये बता तू। कुछ नहीं रखा पढ़ने में, जाके पोछा लगा, घर देख कितना गंदा हुआ हुआ है। इतना मजा पबजी खेलने में नहीं आएगा, चलते हैं जाके इसका पोछा खराब करते हैं। चलो। अरे क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पोछा लगा रही, सब खराब कर दिया, फिर से लगाना पड़ेगा। एक बार में मजा नहीं आया, चल फिर से चलते हैं। अरे यार अब मैं माँ को बताती हूँ। माँ मैंने इतनी मुश्किल से पोछा लगा, इन दोनों ने खराब कर दिया। तो क्या हो गया, पोछा ही खराब कर रहे हैं ना, जाके दोबारा से लगा ले पोछा। अगर मैं लड़की हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो देखा आप सबने कैसे लड़की को गलत समझा जा रहा है और लड़के को इतना प्यार दिया जा रहा है। तो आइए इस कहानी को देखें और समझें। राम आकाश आना, पता नहीं देखना क्या हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, देखना जरा मुझे आकर। माँ तो ऐसे ही करती है, चलो हम बाहर चलते हैं। माँ क्या हुआ? माँ मैं जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो, आप जल्दी से घर पे आइए, मेरी माँ बेहोश हो गई है। क्या हुआ डॉक्टर? इनका बीपी लो हो गया था, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी ये थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। इनकी बहुत कमजोरी है, इनका ध्यान रखो अच्छे से। क्या हुआ था मुझे? माँ बेहोश हो गई थी लेकिन अब आप ठीक हो जाओगे। देखा आप सबने, जिस लड़कों को मैं इतना प्यार करती थी उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, और जिस लड़की को मैं जरा भी प्यार नहीं करती थी उसने मुझे आकर उठाया। ये मेरे से क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? तो देखा आप सबने, जो काम लड़के कर सकते हैं वह काम लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं, बेटियां हैं स्वर्ग की सीढ़ी, अगर वह पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी अपनी पीढ़ी। जीने का है उनका अधिकार, चाहिए उन्हें बस आपका प्यार। अगर करनी है समाज की सुरक्षा तो करो बेटियों की रक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ खुशहाली लाओ। धन्यवाद।